हाय, मैं हूँ डॉक्टर अभिलाषा मलिक, फाउंडर एंड हेड ऑफ फिजियोफिट क्लिनिक। हमारे साथ इस सेशन में हैं डॉक्टर शेरल काचपिनिक, हु इज द फाउंडर एंड हेड ऑफ हार्ट लंग केयर फिजियो एंड रिहैब। इस सेशन में हम ये जानेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे हार्ट अटैक या कोई भी हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ाती हैं, कैसे एक्सरसाइजेस के द्वारा हम इस रिस्क को कम कर सकते हैं, कौन सी एक्सरसाइजेस करें, कितना एक्सरसाइज करें और एक्सरसाइज करते समय किन चीज़ों का, किन बातों का ध्यान रखें। हम साथ में ये भी जानेंगे कि हमें कौन सी चीज़ें खानी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, और साथ ही कुछ स्पेशल टिप्स जानेंगे इन लोगों के लिए जिन्हें डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या हाई कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है। कि आजकल बहुत सारे हार्ट डिजीज़ देखने को मिल रहे हैं, एक्सरसाइज को लेके डर बैठ गया है सबके मन में कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कितना करना चाहिए, ये क्यों हो रहा है, हार्ट अटैक्स इतने कॉमन क्यों हो गए हैं, हार्ट डिजीज इतने कॉमन क्यों हो गए हैं, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ये सब इतना क्यों हो रहा है। तो एक बार थोड़ा सा उसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे एंड साथ में फिर जानेंगे कि हमारे हार्ट का तंदुरुस्ती जो है हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। ओके, पहले तो जानेंगे हार्ट अटैक किन सारी चीजों के वजह से हो सकता है। कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है जिसके वजह से आपके हृदय को या हार्ट को तकलीफ होती है। बहुत सारी चीजें हैं जो थोड़ा 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 एड ऑन करती है और फिर किसी भी बंदे को या बंदी को हार्ट अटैक आता है। तो इसमें कौन सी चीजें हैं? एक तो है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होना, मतलब हमारे जो खून की नलियां है उसमें चर्बी जमा हो जाना ना। फिर एक है हाइपरटेंशन, मतलब हमारा बीपी जरूरत से ज्यादा हाई होना। एक है डायबिटीज, मतलब हमारे ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो अनकंट्रोलेबल हो जाना। ओबेसिटी, आपका बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स 30 यूनिट से ज्यादा होना, आपका मोटापा। ठीक है, फिर जो लोग स्मोक करते हैं उनका रिस्क बहुत ज्यादा रहता है। फिर जो लोगों का सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, मतलब ऐसे लोग जो दिन भर बैठे बैठे ही रहते हैं, या तो उनका डेस्क का काम है या तो उनका दिन में 5,000 स्टेप्स भी नॉर्मल चल के नहीं हो रहा है, मतलब उनकी कोई एक्टिविटी ही नहीं है, ना एक्सरसाइज कर रहे हैं ना कोई अलग प्रकार से उनकी फिजिकल एक्टिविटी हो रही है। और एक और बहुत बड़ा रीजन है स्ट्रेस होना, मतलब टेंशन, है ना। तो ये सारे फैक्टर्स थोड़ा 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 कहीं पे एक रोल प्ले करते हैं जिसके वजह से हमारे हार्ट पे, हृदय पे लोड बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है और फिर किसी दिन जाके एकदम से हार्ट अटैक के साइंस और सिम्टम्स आते हैं। बट सालों साल लग जाते हैं ये सब फैक्टर्स को एक साथ काम करके हमारे हृदय को कमजोर करने में। अब हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारा हार्ट अटैक का रिस्क ज्यादा है या नहीं? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमारे हार्ट अटैक का या कोई भी हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ाती है? एक तो हो गया एज, है ना। जो मेल्स है उनको 45 के बाद और जो फीमेल्स है, लेडीज है, उनको 55 के बाद हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा मिथ है कि लेडीज को हार्ट अटैक के चांसेस कम रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके ये सारे फैक्टर्स एड अप होते हैं तो अगर आप लेडीज भी है तो भी आपका हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ेगा। सेकंड है सिडेंट्री लाइफस्टाइल, मतलब बैठे ही रहना, है ना, दिन में चलना फिरना नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं, हम फोन पे है, हम लैपटॉप पे है, हम टीवी के सामने बैठे हैं, ये सारी जो चीजें हैं इनसे हमारी लाइफस्टाइल सिडेंट्री हो जाती है, मतलब एक्टिव नहीं रहती, हमें चुस्ती पूर्ति नहीं रहती, हमारा वजन बढ़ता है, हमारे बॉडी में चर्बी ज्यादा इकट्ठा होती है, फिर हमें हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, बीपी, ये सारी बीमारियां आती है। जैसा कि मैंने बोला, मोटापा, हमारा बॉडी मास इंडेक्स 30 kg/m² से ज्यादा होना, मतलब आपके उम्र और आपके हाइट के हिसाब से जो आपका नॉर्मल वजन होना चाहिए उससे आपका वजन कई ज्यादा है। जब ये चीज आती है तब आपकी सारी बीमारियों का रिस्क एक साथ बढ़ जाता है। फिर हो गया हाई कोलेस्ट्रॉल होना, मतलब जो नली हमारे को खून सप्लाई करती है उसमें चर्बी जमा हो जाना या इकट्ठा हो जाना, जिसके वजह से नली ब्लॉक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। एक और फैक्टर है हेरिडिटरी, मतलब जेनेटिक्स, मतलब हमारी फैमिली में, हमारे इमीडिएट फैमिली में अगर किसी को हार्ट अटैक का हिस्ट्री है तो फिर हमारे चांसेस हार्ट अटैक के बढ़ जाते हैं। फिर है स्मोकिंग, एक और आ गया हाई ब्लड प्रेशर, ना अगर आप मेडिसिन पे भी है, हाई बीपी है बट आप मेडिसिन ले रहे हो तो भी आपका हार्ट अटैक का रिस्क ज्यादा रहता है अगर आपका बीपी कंट्रोल में नहीं रहता है तो।
और लास्ट फैक्टर हमारा हो गया ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होना, मतलब डायबिटीज होना। डायबिटीज के वजह से हमारी बॉडी में जो बोलते हैं इन्फ्लेमेशन, वो बढ़ जाता है। हमारी जो नलियां हैं जो खून सप्लाई करती है, उनमें एक इलास्टिसिटी होनी चाहिए, वो इलास्टिसिटी कम हो जाती है, नलियां कड़क होना चालू हो जाती है। आगे जाके उस वजह से हमारा बीपी बढ़ता है, हमारे हार्ट पे प्रेशर बढ़ता है। इसीलिए रेगुलर चेकअप्स जरूरी है। कितना चेकअप्स करना चाहिए? अगर आपके फिजिशियन या जो भी डॉक्टर है उन्होंने अगर आपको सजेस्ट किया है, तो हर 3 महीने में अगर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में नहीं रहता है, तो आपका लिपिड प्रोफाइल, आपका ब्लड ग्लूकोज टेस्टिंग, ये हर 3 महीने में होना चाहिए। नहीं तो फिर कम से कम 6 महीने में होना चाहिए। और जो यंगस्टर्स है, जो 30 तक उम्र के भी है, उनका भी हर साल में एक बार कम से कम कोलेस्ट्रॉल, ब्लड ग्लूकोज लेवल और बीपी, ये सब चीजों का टेस्ट होना चाहिए। क्योंकि आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है। अभी ऐसा नहीं है कि ये एक एज के बाद ही आता है, आजकल यंगस्टर्स में भी हार्ट अटैक सुनने को बहुत ज्यादा मिल रहा है। इसमें से एज, जेनेटिक्स, ये सब चीज के बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। बट हाँ, क्या हम ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हम हमारे बीपी को कंट्रोल में रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। क्या हम हमारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, एक्टिविटी लेवल बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे ज्यादातर जो इसमें से रिस्क फैक्टर्स है, वो है मॉडिफाइबल, मतलब हमारे हाथ में है। ऐसे एक दो ही है जो हमारे हाथ में नहीं है। उम्र हमारे हाथ में नहीं है, जेनेटिक्स हमारे हाथ में नहीं है, बाकी सब हमारे हाथ में है। अभी जब एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत लोगों को ये क्वेश्चन आता है, क्लिनिक में भी लोग आते हैं तो पूछते हैं कितना करना चाहिए। बहुत ज्यादा करेंगे तो तकलीफ हो जाएगी, पर बहुत ही कम करेंगे तो डोज काफी नहीं होगा। जैसे हम मेडिसिन लेते हैं, अगर हमें जितना जरूरी है उसके डोज से कम हमने मेडिसिन लिया, तो उसका इफेक्ट नहीं आएगा। तो एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन, जैसे आपका डोज होता है मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन, वैसा एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन कितना होना चाहिए? तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ये बोलता है, बहुत स्टडी करने के बाद, रिसर्च करने के बाद, कि एक हफ्ते में 150 मिनट्स का एक्टिविटी आप करना चाहिए। एकदम सिंप्लीफाई करते हैं, हफ्ते के 5 दिन 30 मिनट्स का एक्टिविटी आप करेंगे। आधा घंटा आपका एक्सरसाइज होना चाहिए हफ्ते में 5 दिन, ठीक है? ये नॉर्मल आपके हार्ट की जरूरियत है, आपकी तंदुरुस्ती मेंटेन करने के लिए इतना मिनिमल है। अब मॉडरेट इंटेंसिटी, मतलब ऐसी एक्टिविटी जो थोड़ा सा आपका हार्ट रेट बढ़ाती है, थोड़ा सा आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ाती है, बहुत ज्यादा हाफना नहीं है, पर थोड़ा सा आपका ब्रेथ रेट बढ़ना चाहिए, उसको बोलते हैं मॉडरेट इंटेंसिटी। आगे हम देखेंगे कि हम उसको कैलकुलेट भी कैसे कर सकते हैं। सेकेंड आ गया मूव मोर सिट लेस। जैसे कि मैंने बोला, जब हम बैठे ही रहते हैं तो हमारा शरीर में मोटापा आता है, हमारा ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल में नहीं रहता, हाई बीपी की बीमारी आ जाती है। एक्टिविटी करते रहना जरूरी है। किस तरीके की एक्टिविटीज कर सकते हैं? जिसको बोलते हैं नीट, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, एकदम छोटी छोटी ऐसी चीजें कर रहे हैं जिससे हमारा शरीर थोड़ा थोड़ा काम कर रहा है, हमारी थोड़ी बहुत कैलोरीज जल रही है, बर्न हो रही है ना। क्या कर सकते हैं? जब भी शॉपिंग करने गए तो गाड़ी को थोड़ा सा दूर पार्क कर दीजिए, किसी दिन लिफ्ट लेने की जगह थोड़े थोड़े जगह पर स्टेयर्स लीजिए ना, सीढ़ियां क्लाइंब कीजिए, हाउस वर्क कीजिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको बहुत, अगर जोड़ों में तकलीफ है या स्नायु में दर्द है, तो आप पूरा घर का काम करना चाहिए। आप नॉर्मल थोड़ा सा क्लीनिंग, थोड़ा सा डस्टिंग, इतना कर सकते हैं। जब आप फोन पे है तो पूरा टाइम बैठकर बात मत कीजिए, थोड़ा सा वॉकिंग कीजिए, बात करते करते, वॉक एंड टॉक। अगर आपके बच्चे हैं या आपके घर में आपके ग्रैंड किड्स है, नाती पोता पोती है, तो उनके साथ थोड़ा खेलिए, बीच बीच में वॉकिंग ब्रेक्स लीजिए। अगर आपका ऐसा जॉब है कि आपको कंप्यूटर के सामने ही बैठना पड़ता है, या आप पूरे दिन टीवी के सामने ही बैठे हो, तो हर 1 घंटे में खुद को रिमाइंडर दीजिए कि मुझे थोड़ा सा उठना है, ब्रेक लेना है, थोड़ा चलना है, फिर भले ही मैं वापस आके बैठ जाऊं ना। ये छोटी छोटी चीजें आगे जाके आपकी लाइफ में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि ये आपको कैलोरीज बर्न करने में हेल्प करती है, आपका वजन कंट्रोल में रखने में हेल्प करती है, और आपका दिन भर का एक्टिविटी लेवल जो होना चाहिए, जो अपना प्रिस्क्रिप्शन है, उस पे जाने में अपने को मदद करता है। अभी है एड इंटेंसिटी, मतलब जो एक्सरसाइजेस अपन कर रहे हैं वो कितना लेवल पे कर रहे हैं। अगर आप वॉक करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज वॉक करते हैं, आधा घंटा 1 घंटा भी करते हैं,
बट क्या आप थोड़ा फास्ट वॉकिंग कर रहे हो या आप एकदम नॉर्मल स्पीड पे चल रहे हो? अगर आप बहुत ही स्लो वॉक कर रहे हो तो उसका आपकी बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। आपको जब वॉक करना है तो आपको फास्ट वॉकिंग करनी है, ब्रिस्क वॉकिंग करनी है। दिन में 10,000 स्टेप्स हमारे कवर होने चाहिए, एक दिन में हम 10,000 कदम चलना चाहिए। तो अगर 10,000 कदम हमें कंप्लीट करना है तो स्पीड भी थोड़ी उस हिसाब से रखनी पड़ेगी। फिर एड मसल, मतलब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए, यानी कि ऐसी एक्सरसाइजेस जो आपके मांसपेशी की ताकत बढ़ाती है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी बॉडी में मसल मास या मांसपेशी कम होती जाती है और फैट मास मतलब चर्बी बढ़ते जाता है। तो अगर हम ऐसी एक्सरसाइजेस नहीं करेंगे जिसमें हमारा मसल या स्नायु प्रिजर्व हो रहा है तो हम वो मसल खोते जाएंगे। मसल क्यों जरूरी है? मसल आपका मेटाबॉलिज्म मेंटेन रखता है। जो हम बोलते हैं ना बैठे बैठे भी हमारी बॉडी कैलोरीज बर्न करती है, वो काम मसल बढ़ा देता है ना। हमारी ताकत के लिए मसल जरूरी है। तो जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी, जोड़ों में तकलीफ, स्नायु का दर्द, ये सब हमें नहीं आएगा। अगर ये नहीं आएगा तो ही हम एक्टिव रह पाएंगे, तो भी हम रोजमर्रा के काम तभी कर पाएंगे ना। तो कितना करना चाहिए? हफ्ते में कोई भी 3 दिन हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है। सबसे लास्ट, फील बेटर, मतलब एक्सरसाइज करने पे इतने ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो हमें फील गुड फैक्टर देते हैं, जिसको बोलते हैं एंडोर्फिन्स, सेरोटोनिन, डोपामिन। ये सब अच्छे केमिकल्स में आते हैं। ये हमारा स्ट्रेस भी कम करते हैं, हमें फ्रेश भी महसूस कराते हैं, हमें स्टेमिना चुस्ती फुर्ती ज्यादा रहती है। इसीलिए हमें एक्सरसाइज करना जरूरी है। और लास्ट, तो हमारा हार्ट बहुत खुश होता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। हमारा हार्ट भी एक मसल है, जैसे बाकी मसल्स का हमें ताकत बना के रखना है, वैसे ही हार्ट का हमें ताकत बनाई रखनी है। तो अगर हार्ट की ताकत बनाई रखनी है तो उसको हफ्ते में किसी भी 5 दिन 30-30-30 मिनट का एक्सरसाइज देना जरूरी है। अभी अगर आपको ऑलरेडी डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, और आप एकदम से बोलेंगे मैं जिम में जाके एक्सरसाइज करूं, जो आजकल ज्यादातर लोगों के साथ हो रहा है, पहले कोई टेस्ट नहीं कराते हैं, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट नहीं करते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल टेस्ट नहीं करते हैं, बीपी टेस्ट नहीं करते हैं, ब्लड ग्लूकोज टेस्ट नहीं करते हैं, और डायरेक्टली जिम में जाके एक्सरसाइज करना चालू कर देते हैं, वो भी एकदम हैवी वजन उठाना चालू कर देते हैं, तभी जाके हार्ट पे प्रेशर पड़ता है, लोड बढ़ता है और आपके हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं। ये जितना भी हार्ट अटैक सुनने को मिलता है ये ऐसे नॉर्मली नहीं हो जाता। सालों साल लोगों को ज्यादा स्ट्रेस रहता है, उनके बहुत सारी ऐसी बीमारियां रहती है जिनके वजह से हार्ट कमजोर हो गया है। और ऐसे कंडीशन में अगर आप एकदम से हार्ट पर लोड डालोगे तभी आपको हार्ट अटैक का चांस बढ़ेगा। तो अगर समझो कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है और आपके हार्ट की जो नली है, जो आपके हार्ट को खून का सप्लाई दे रही है, वो ब्लॉक हो गई है क्योंकि उधर चर्बी जमा हो गया है, जैसे येलो पार्ट हम देख रहे हैं, उसके आसपास ब्लड क्लॉट होना चालू हो जाएगा, मतलब खून जमा होना चालू हो जाएगा। अगर वो ब्लॉक हो गया तो उसके आसपास जो मांसपेशी है वो ब्लड सप्लाई हार्ट को नहीं कर पाएगी। उसके वजह से क्या होता है, हमारे जो हार्ट का मसल है वो धीरे धीरे मरने लगता है क्योंकि उसे ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा है। ठीक है, तब जाके हार्ट अटैक आता है। या आपका बीपी बहुत ज्यादा है और एकदम से आपने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज किया, बीपी शूट हो गया, आपको पता ही नहीं है, हार्ट पे लोड बढ़ गया, तब जाके हार्ट अटैक आता है ना। हार्ट अटैक इतना इजीली नहीं आता, सालों साल की जो बीमारियां हैं वो एकदम उसको बढ़ा के लेती है। अभी अगर ऐसी चीजों से हमें बचना है तो हमें थोड़े नॉर्मल चीजें ध्यान में रहने चाहिए कि हमारी बॉडी का लिमिट कैसे हमें मालूम पड़ेगा। अगर हम कल एक्सरसाइज करने जा रहे हैं तो हमें कैसे पता कि क्या नॉर्मल है और क्या हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा है? तो ये बहुत एक आसान कॉमन क्वेश्चन होता है कि नॉर्मल एट रेस्ट बैठे बैठे मेरा हार्ट रेट अभी कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 60-100 बीट्स पर मिनट के बीच में। ये कैसा टेस्ट करेंगे कि 60 से 100 के बीच में हमारा हार्ट रेट चल रहा है कि नहीं? पल्स ऑक्सीमीटर तो आप सबको पता होगा, कोविड में हम सबने ये देख लिया है। ये कैसा टेस्ट लेना है ये हमको पता है। हार्ट रेट वाला जो अपने को हार्ट का डायग्राम आता है उसके बाजू में जो आता है वो हार्ट रेट हमारा दिखाता है, पल्स ऑक्सीमीटर, ये भी हमको पता है।
फिर आती है बहुत सारी स्मार्ट वॉचेस ना, फिटबिट हो गया, आई वॉच हो गया, यंगस्टर्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं स्पेशली, तो ये वॉच भी हमको हार्ट रेट दिखाती है। सबसे नॉर्मल तरीका, अगर अपने पास कुछ भी नहीं है तो 1 मिनट के लिए अपना हार्ट रेट हम खुद कैसे काउंट करेंगे, अंगूठे के नीचे वाला जो हिस्सा है जहाँ पे हमारा पाम खत्म हो रहा है वहां पे 2 उंगलियां रखनी है हमें, थोड़ा सा जो हमारा हार्ट धक धक होता है वैसे ही ऊपर नीचे आती हूँ, हमारी नस फील होगी, है ना, ये जो ऊपर नीचे आ रहा है ये धक धक को हमें 1 मिनट के लिए काउंट करना है। 1 मिनट पूरा कंप्लीट क्लॉक में देख के जब काउंट करेंगे तो हमें हमारा हार्ट रेट का काउंटिंग समझेगा, ठीक है। आजकल बहुत सारे एप्स भी आ गए हैं जो डायरेक्ट हार्ट रेट काउंट करते हैं, गूगल फिट एंड ऑल अगर आप यूज करते होंगे, आपका जो कैमरे का लेंस है जिधर से लाइट निकलती है वहां पे अगर आप उंगली रखेंगे और गूगल फिट ऐप पे बोलेंगे हार्ट रेट काउंट करने, तो एप्लीकेशन भी आजकल आपका हार्ट रेट काउंट कर देता है। अभी हमें हमारा टारगेट हार्ट रेट कैसे मालूम पड़ेगा, अगर आप हमारे पास आते हो कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरेपिस्ट के पास आते हो तो हम लोग आपका टारगेट हार्ट रेट कैलकुलेट करके दे सकते हैं। ये कैसे होता है, एक फॉर्मूला होता है जो अलग है, अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो आपका हार्ट रेट टारगेट जो है वो फॉर्मूला डिफरेंट रहेगा। अगर आप समझ लो बीपी के मेडिसिन पे हो, कोलेस्ट्रॉल के मेडिसिन पे हो, तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है। गूगल पे ये फॉर्मूला अवेलेबल रहता है, बट अगर आपको कुछ भी टाइप की बीमारी है तो ये पर्सनल सजेशन और रिक्वेस्ट है कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरेपिस्ट के पास, प्लीज एक बार अपना टारगेट हार्ट रेट कैलकुलेट कराए, क्योंकि जो मेरे लिए नॉर्मल है वो आपके लिए नॉर्मल नहीं। एक 30 साल का और एक 70 साल का व्यक्ति का जो टारगेट हार्ट रेट रहेगा उसमें बहुत डिफरेंस रहेगा, है ना। उसमें भी एक ऐसा व्यक्ति जिसे कोई बीमारी नहीं है, डायबिटीज बीपी नहीं है, और एक व्यक्ति जिसे डायबिटीज बीपी या हाई कोलेस्ट्रॉल है, उसका भी टारगेट हार्ट रेट डिफरेंट रहेगा भले ही आपकी उम्र सेम है। तो ये चीज को समझिए, अगर आपको थोड़ा सेफ साइड रहना है तो ये आपको पहले कैलकुलेटेड रहना चाहिए, है ना। आपका जो हार्ट रेट है उस हिसाब से फिर जो बोलते हैं कि कितना लेवल का एक्सरसाइज, इजी लेवल करना है, मीडियम लेवल करना है या हाई लेवल करना है, वो परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट होता है, प्रतिशत के हिसाब से कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो फिर वो परसेंटेज हम लोग आपको निकाल के देते हैं कि ठीक है आपको आपका हार्ट रेट 100 से 120 के बीच में ही रहने देना है, फिर भले ही आप जिम पर एक्सरसाइज करो या आप घर में एक्सरसाइज करो, तो आपको एक सेफ लिमिट मालूम पड़ जाती है। अब हाउ मच इज टू मच, नॉर्मल वॉकिंग करते समय भी बहुत लोग हाफ जाते हैं ना, जब आप समझ लो कभी आपने वॉकिंग नहीं किया है और आप एकदम से चालू कर रहे हो तो आप थक जाएंगे। तो अब कैसे मालूम पड़ेगा कि मैं कितना अपने बॉडी को एक्सीड कर सकती हूँ, मेरा लिमिट क्या है। एक नॉर्मल सा टेस्ट याद रखेंगे, टॉक टेस्ट, सिर्फ अपने आप से इतना पूछेंगे कि अगर अभी मेरे से कोई बात कर रहा है तो क्या मैं उनसे बिना हाफे बात कर सक रही हूँ। अगर आप इतना हाफ रहे हो कि आगे वाला अगर आपको कुछ पूछ रहा है और चलते चलते आप रिप्लाई नहीं कर पा रहे, जवाब ही नहीं दे पा रहे, इतना आप हाफ रहे हो, मतलब आपने कैपेसिटी एक्सीड कर दी है, आप बहुत ज्यादा कैपेसिटी से ज्यादा कर रहे हो, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल टॉक टेस्ट है, बस इसका ध्यान रखेंगे। जब भी आपको कंफ्यूजन रहेगा कि ये एक्सरसाइज करते वक्त या वॉकिंग करते वक्त भी मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कर रही हूँ, तो बस इतना समझना है कि आगे वाला अगर कुछ पूछता है तो आपको उसका जवाब देते आना चाहिए, आपको बात करते आना चाहिए, आप इतना नहीं हाफते रहना चाहिए कि आपसे जवाब भी ना देना हो। पेसिंग वर्सेस, मतलब ब्रेक्स कैसे लेना है, कितना लेना है और क्यों ब्रेक्स लेना जरूरी है, ये डॉक्टर शेरिल आपको एक्सप्लेन करेंगे। या गुड इवनिंग, यस, सो हम आगे का कंटिन्यू करेंगे। डॉक्टर अभिलाषा ने बहुत अच्छी तरीके से हमें समझाया है कि नॉर्मल और कैसा हार्ट रेट रखना है, कैसा एक्सरसाइज करना है और क्या लिमिट्स में करना है। तो अभी ये जो पेसिंग है, हमेशा हम हर एक इंसान इधर हमें बहुत घाई रहता है हर चीज का, नॉर्मल है,
ऑफिस से ऑफिस को जाना है, घाई घाई में जाना है, खाना बनाना है घाई से बनाना है, बिकॉज हमारा लाइफ स्टाइल या वी ह्यूमंस हम वैसे ही क्या बोलते हैं बचपन से हम घाई घाई, स्कूल को घाई में जाओ, ऐसा घाई में जो करो, बट ये जो है पेसिंग वन सेल्फ, उसमें क्या रहता है कि कोई भी चीज हो उसको आराम से करना है। आराम से मतलब क्या, अभी सपोज चार चीज हमें करना है, खाना बनाना है, झाड़ू लगाना है या फिर कपड़े यू नो फोल्ड करना है, अभी सब चीज आप एक साथ करने जाओगे फास्ट इसमें तो आप थक जाओगे, दम लगेगा, कभी कभार हार्ट बीट फास्ट हो जाता है। तो जब आप ओपन हार्ट सर्जरी या फिर एंजियोप्लास्टी के बाद जब आप रिकवर हो रहे हो या फिर आपको कुछ भी हार्ट का इश्यू है, तो ऐसे केसेस में यू हैव टू मेक श्योर दैट यू पेस, रुक के काम करना है, आराम से काम करना है ताकि हार्ट पे लोड ना आए। ओके सो ये जो है 3 to 4 मॉडरेट इंटेंसिटी। सो जब आप डॉक्टर के पास, फिजियोथेरेपिस्ट के पास आओगे तो आपको एक चार्ट दिया जाएगा कि बाबा इतना आप दम लगेगा तब इतना, इतना दम लगने मत दो ये एक्टिविटी करते समय या फिर ये ज्यादा हो जाएगा। जैसा हम सपोज चल के आते हैं, स्टेयर्स चढ़ते हैं या फिर लॉन्ग मतलब ऐसा सपोज ट्रेन का ट्रेवलिंग हो जाए, तभी हम आपको जो डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग बोलते हैं, जो टमी ब्रीदिंग बोलते हैं, दैट ब्रीदिंग विल हेल्प यू टू पेस योरसेल्फ। ओके पेस मतलब कि आपके बॉडी को एक रिलैक्स स्टेट पे लाने। अभी जो टंग एक्सरसाइज है, जो हमिंग हम जो आपको सिखाते हैं, ये सब चीजें आपके बॉडी को एक रिलैक्स सिस्टम पे लाएंगे। सो पेसिंग वन सेल्फ, जो भी काम करना है गिव ब्रेक्स, आराम से कीजिए। ऑफकोर्स वो काम पूरे दिन में कंप्लीट करना है बट हार्ट पे प्रेशर ना आए, आप ज्यादा थक ना जाए, इससे अच्छा यू ब्रेक द टाइम एंड डू इट प्रॉपरली। सो कमिंग टू डायबिटीज, अभी डायबिटीज ऐसा है कि वो पूरा फैमिली है, डायबिटीज आया तो मतलब हार्ट डिजीज है तो डायबिटीज भी आ ही जाएगा, हाई कोलेस्ट्रॉल है तो आगे पीछे डायबिटीज कभी यू नो इट विल कम टूगेदर। सो बेसिकली इट इज लाइक अ फैमिली, फैमिली के सब हिस्से है ये लोग की डायबिटीज है, जिनको हार्ट का तकलीफ है डायबिटीज भी होने का क्षमता बहुत बढ़ जाता है, एंड इट इज वाइस वर्सा। ओके सो जब डायबिटीज है, फर्स्ट थिंग हम हमारा शुगर्स मेंटेन रखते हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग। ओके नॉर्मल शुगर डॉक्टर ने बोला है कि इंसुलिन लेने के पहले आप शुगर मॉनिटर करो, वैसा इंसुलिन ले लो। ओके तो और डॉक्टर को भी रिपोर्ट देना पड़ता है। सो व्हेन यू कम टू एक्सरसाइज, जब एक्सरसाइज की बात आती है तभी भी शुगर मॉनिटर करना इम्पोर्टेंट है। क्यों? ज्यादा शुगर रहेगा एक लिमिट के ऊपर तो भी एक्सरसाइज करना मना है। फॉर एग्जाम्पल इधर आपने मेंशन किया है कि ब्लड ग्लूकोज मोर देन 300, अभी हम ग्लूकोमीटर से चेक करते हैं, जब हमें ये पता चले तब हमें एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज दिस इज अ कॉन्ट्रा इंडिकेशन। ओके इसके ऊपर एक्सरसाइज नहीं करना। ओके तो ये बेसिक चीजें आपको पते होनी चाहिए। अभी आप, हम इधर है, हम आपको समझा रहे हैं, तो हमारा ऐसा कहना है कि आप दूसरे आपके फैमिली मेंबर्स को या फिर आपके सोसाइटी में लोग हो उनको भी ये थोड़ा बेसिक नॉलेज हम शेयर कर सकते हैं, ताकि एज अ सोसाइटी हम सेफ जोन में और अच्छे से एक्सरसाइज करके रहे। सो ये जब हम जो शेयर कर रहे हैं, जस्ट डोंट कीप इट टू यू, यू गो प्लीज गो आउट एंड यू कैन हेल्प पीपल। ऑफकोर्स बेसिक नॉलेज रहना इज द नीड ऑफ द आवर। सो नाउ सपोज योर ब्लड शुगर लेवल इज लो, 100 के नीचे है, तो यू हैव टू इंजेस्ट, लाइक आपको कुछ तो कार्बोहाइड्रेट्स खाना है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन हैव अ फ्रूट जूस विच इज अवेलेबल। सो एक्सरसाइज के पहले और बाद में शुगर मॉनिटर करना इज वेरी नेसेसरी। वन मोर थिंग, सुबह उठ के हमें हैबिट रहता है कि हम एम्प्टी स्टमक चले तो हमें अच्छा लगता है, दैट्स क्वाइट नॉर्मल। ओके वो हम आप सबको ये हैबिट होता है, बट एम्प्टी स्टमक ब्रीदिंग एक्सरसाइज चल जाएंगे। ओके बट जो एक्सरसाइज में आपका ज्यादा वॉकिंग है, एरोबिक जो हम बोलते हैं, वॉकिंग है या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, साइकिलिंग है, वो एक्सरसाइजेस एम्प्टी स्टमक करना इज टोटली अ नो। ओके सो बेसिकली आफ्टर यू हैव योर ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, हाफ एन आवर और 45 मिनट्स लेटर, आधे घंटे बाद आप एक्सरसाइज कर सकते हो, और वैसे ही करना है, नॉट एम्प्टी स्टमक। बिकॉज क्या होता है, हम यूजुअली 8 या 9 बजे रात को खाना खा लेंगे, 12 hours और 8 hours we sleep, you know, so वो इतना टाइम भी there is nothing in our stomach, okay? अपने पेट में there is मतलब लो शुगर होने का चांसेस सुबह होता है, एंड उसके साथ क्या होगा, जब आप एक्सरसाइज करोगे तो एक्सरसाइज के टाइम बॉडी का मैकेनिज्म होता है कि वो शुगर यूज करता है ब्लड में से। ओके सो और हाइपोग्लाइसीमिया मतलब चक्कर आना या फिर यू नो यू विल फील वीक, डिजी, चक्कर आएगा, तो ये सब चीजें लो शुगर की वजह से हो सकता है।
अभी हाइपोग्लाइसीमिया मतलब व्हाट सिम्टम्स, ये जो बेसिक सिम्टम्स है वो आपको याद रखना जरूरी है. सपोज आपको बहुत स्वेटिंग हो रहा है या फिर मूंगी आ रहा है हाथ में, मतलब टिंगलिंग सेंसेशन जो हम बोलते हैं, पैर में मूंगी, हाथ में मूंगी, या फिर चक्कर आ रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है. सो इफ यू आर इन अ जिम, जिम में जा रहे हो, ट्रेडमिल कर रहे हो, ओके, सो ये सब चीजें इफ यू अंडरस्टैंड, देयर इज अ टोटली अ रेड फ्लैग कि बाबा शुगर्स अप एंड डाउन है, कुछ तो शुगर आर नॉट इन अ प्रॉपर रेगुलेशन. सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल. हेडेक है, विजुअल डिस्टर्बेंस है. अभी डायबिटीज का भी कॉम्प्लिकेशंस काफी होते हैं, हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बट डायबिटीज अफेक्ट्स योर होल बॉडी, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स, विजन है, हाई प्रेशर से आईज को यू नो रेटिनोपैथी होता है, ओके. सो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स यू नीड टू कंसिडर, सो बेटर कंसल्ट अ फिजियोथेरेपिस्ट बिफोर यू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग इफ यू आर अ डायबिटिक पेशेंट. ओके, अभी कैसे होता है कि इंसुलिन का भी अलग टाइप्स होता है, ओके. सो समटाइम्स दो टाइप के इंसुलिन प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, समटाइम्स एक टाइप का रहता है, ओके. सो डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशन योर डायबिटोलॉजिस्ट योर फिजिशियन विल प्रिस्क्राइब इट. सो व्हेन यू गो टू अ फिजियोथेरेपिस्ट, मेक श्योर यू टेल देम कि पापा कौन सा इंसुलिन चालू है, क्या मेडिकेशन चालू है. इंसुलिन भी और टैबलेट फॉर्म में जो मेडिकेशन आता है उसका भी पीक इफेक्ट होता है. कोई भी मेडिसिन जब हम लेते हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ डायबिटीज का, एनी मेडिसिन विच वी टेक, सपोज वी टेक पैरासिटामोल और यू नो क्रोसिन और एनी टैबलेट, उसका अपने बॉडी पे इफेक्ट करने का एक टाइम होता है कि बाबा ये टाइम मतलब 2 घंटे बाद फॉर एग्जांपल ये अपने बॉडी में एकदम पीक इफेक्ट करेगा, मतलब मैक्सिमम उसका इफेक्ट हमें अपने बॉडी पे दिखेगा, ओके. सेम इज विद डायबिटीज के मेडिकेशन ऑल्सो. सो वी अवॉइड कि वो पीक इफेक्ट पे हम एक्सरसाइज करें, ताकि कभी कभार हाइपोग्लाइसीमिया ऐसा तकलीफ हो सकता है. अभी नेसेसरी नहीं है कि सब डायबिटीज पेशेंट्स को होगा. सो इट इज एवरी पेशेंट व्हाट यू से इंडिविजुअलाइज्ड, ओके. तो इसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट या इनके पास जाके आपको बेटर आइडिया आएगा कि कब क्या कैसे एक्सरसाइज करना है, कौन सा दवाई कब लेना है, उसके बाद कब कितने टाइम बाद एक्सरसाइज करना है. ओके, सो दिस आर नॉर्मल डायबिटीज के, ऑफकोर्स आपके जो रिपोर्ट्स में भी नॉर्मल लेवल्स लिखे हुए रहते हैं, सो एवरी वन नोज यू नो वॉट इज द नॉर्मल लेवल्स, बट स्टिल यू शुड बी एबल टू नो कि डायबिटीज, प्री डायबिटीज आर नॉर्मल, ओके. अभी काफी लोग को पूछा तो डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, तो बोलते नहीं है बट दवाइयाँ चालू है, ओके. सो बेसिकली कैसे होता है, वी हैव दैट कंडीशन, बट हमें उसका जानकारी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना था शुगर, अभी कितना है, इज इट इंक्रीज. सो आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको अच्छा रखना है, आपको हॉस्पिटल एडमिशन कम करना है, मतलब अचानक से शुगर लो हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, या फिर हाई शुगर हो गया. सो बेसिक आपके पास एक चार्ट होगा कि बाबा इतना इतना शुगर है, मैं एक्सरसाइज इतना कर रहा हूँ, इतना लिमिट्स में कर रहा हूँ, तो आप भी आपके साइड से सेफ हो हाउ टू एक्सरसाइज, एंड अ फिजियोथेरेपिस्ट विल गाइड यू प्रॉपरली हाउ टू गो विद इट. ओके, सो अभी ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी ऐसा है कि हर एक घर में एक कोई तो रहेगा जिसको ब्लड प्रेशर का इश्यू है, ओके. बट हम कभी भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं जाते कि बाबा मुझे ब्लड प्रेशर है इसलिए मुझे फिजियोथेरेपी दो, ओके. बिकॉज इसका अवेयरनेस भी काफी कम है. बट हम ये जो सेमिनार रख रहे हैं उससे हमें यही बताना है कि हाइपरटेंशन, जो हाई ब्लड, हाई बीपी पेशेंट्स होते हैं जिनको हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयां चालू है बट बीपी कंट्रोल में है, उनको भी एक्सरसाइज करना जरूरी है ताकि लॉन्ग टर्म पे उनका बीपी स्टेबलाइज रहे. बीपी के वजह से जो तकलीफ बढ़ते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल पैरालिसिस है, स्ट्रोक है, वो क्यों होता है? फॉर एग्जांपल लोग ऐसा कहते हैं कि दवाइयां चालू है बीपी की, बट बीपी कभी कभार हाई रहता है, ओके. मतलब दवाई चालू रह के भी हाई रहता है. सो इसका मतलब क्या कि वो दवाई आपको आपके डॉक्टर के पास फिर से जाना है, उनसे कंसल्ट करना है ताकि वो मेडिकेशंस मॉडिफाई कर सके, ओके. कैसे होता है, 5-6 साल से आप एक ही मेडिसिन ले रहे हो, आपका फॉलो अप नहीं है, तो वो प्रॉब्लम आ सकता है. सो हमारा कहना रहता है कि यू फॉलो अप विथ योर फिजिशियन, योर कार्डियोलॉजिस्ट, योर डॉक्टर, ओके, सो दैट दे अंडरस्टैंड कि पापा बीपी हाई है, लो है, सिर्फ एक्सरसाइज करोगे, दवाइयाँ चालू है, यू हैव टू मॉनिटर योर बीपी, ओके. सो मेडिकेशन शायद मॉडिफाई करें तो बीपी आपका थोड़ा नॉर्मल रेंज में आए, फिर आप एक्सरसाइज में एनरोल कर सकते हैं, ओके. सो अभी कुछ दवाइयां रहते हैं जो हार्ट रेट में उनका इफेक्ट अलग से दिखता है, तो
आपको वो ध्यान देना है, वो आपके फिजियोथेरेपिस्ट आपको गाइड करेंगे प्री एंड पोस्ट, ओके, एक्सरसाइज के पहले एक्सरसाइज के बाद आपको ईपी मॉनिटर करना है। टाइट ग्रिपिंग एंड ब्रेथ होल्डिंग, अभी आपको पता रहेगा जब आप ब्रीदिंग क्या बोलते हैं वेट का जो एक्सरसाइज करते हैं डंबल करते हैं, ओके, उसमें हम सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं, सांस रुका के रखना नहीं है। सो हाइपरटेंशन सिम्टम्स मतलब बेसिकली सी इफ यू हैव हाइपरटेंशन, फॉर एग्जांपल लाइक मैं एक बेसिक एग्जांपल दूं, हमारे क्लिनिक में एक पेशेंट आया था और उनका बहुत हेडेक हो रहा था और फेस बहुत स्वोलन था, बहुत स्ट्रेस लग रहा था, ओके, तो मैंने उनको पूछा कि बाबा क्या तकलीफ है, तो बोल रहा है स्ट्रेस है ऑफिस पे, नींद भी नहीं अच्छे से मिला है, बहुत हेडेक हो रहा है, यू नो। तो सिंस हमें कुछ एबनॉर्मल लगा, यू नो ही वॉज नॉट इन अ गुड स्टेट, हमने उनका बीपी चेक किया तो बीपी वॉज हाई, ओके, बट उनका दवाइयां तो चालू था बट बीपी हाई था। बट इसके लिए आपको बट वो टाइम पे दवाइयां चालू था मतलब टाइम पे ले नहीं रहे थे, ओके, क्योंकि हम निग्लेक्ट करते हैं कि बाबा कुछ हो नहीं रहा है तो क्यों लेना है दवाइयां, ओके, बट दवाइयां लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर उन्होंने फिर से उनके डॉक्टर को कंसल्ट किया, दवाइयां प्रॉपरली लेने लगे एंड फिर एक्सरसाइज में स्टार्ट किया, ओके, क्योंकि उनका हाई बीपी था तो हमने इतना एक्सरसाइज के लिए उनको फिलहाल के लिए नहीं बोला, ओके, एक बार बीपी नॉर्मलाइज हो जाए फिर हम एक्सरसाइज का प्रोसीड करेंगे। तो हेडेक है, पैल्पिटेशंस है, दम लगता है ज्यादा, मोटापा ज्यादा है, ओके, सो ये सब चीजें यू हैव टू कीप इन माइंड व्हेन इट कम्स टू बीपी। सो मॉनिटर योर बीपी एटलीस्ट हफ्ते में एक बार या फिर महीने में एक बार आप बीपी चेक करो कि बाबा मेरा कितना रह रहा है, दवाइयां मैं टाइम पे ले रहा हूँ या नहीं। सो ब्लड प्रेशर का भी नॉर्मल कैटेगरी होता है कि नॉर्मल कितना है, लेस देन, फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल इज लेस देन 120, ओके, एंड डायस्टोलिक शुड बी लेस देन 80, फॉर एग्जाम्पल 120 बाय 80 इज नॉर्मल व्हाट वी कंसिडर, ओके, देन एलिवेटेड कब होता है 120 टू 129, ओके, जब सिस्टोलिक जो बीपी रहता है जो ऊपर और नीचे एक बीपी मतलब एक नंबर रहता है फिर स्लैश होके दूसरा, सो द अपर वन इज सिस्टोलिक द नीचे वन इज डायस्टोलिक, ओके, सो हाई ब्लड प्रेशर इज व्हेन इट इज 130 टू 139, ओके, देन अभी ये चार्ट है बट आपके डॉक्टर आपके फिजिशियन विल ऑल्सो गाइड यू बेटर कि ये दवाइयों से कितना आपका बीपी रहना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर इज 140 और हायर, ओके, हाइपरटेंसिव क्राइसिस मतलब बहुत तकलीफ हो ऐसा होता है हायर देन 180, तो ये सब रेस्टिंग है, रेस्टिंग बीपी, एक्सरसाइज के बाद बीपी बढ़ेगा, ओके, बट वो भी एक लिमिट में बढ़ना चाहिए तो वो आपको फिजियोथेरेपिस्ट गाइड करेंगे। सो फूड फॉर हार्ट डॉक्टर अभिलाषा आपको अच्छे से बताएंगे बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं काफी लोगों को बोलती हूँ कि डाइट कर रहे हो अच्छे से, खाना अच्छे से खा रहे हो तो बोल रहा है मैडम कुछ फॉलो ही नहीं हो रहा है खाने का कैसा करे। सो बेसिक आपको डॉक्टर अभिलाषा विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल कि यू नो कैसा ध्यान देने का। थैंक यू। पहले तो ये देखेंगे कि नॉर्मल जो अपन खाते हैं ना वो बेस्ट फूड है, जो फैट डाइट है उस पे अपने को नहीं जाना है। अभी डाइटिंग जब अपन बोलते हैं तो जरूरी नहीं है कि जो एकदम कीटो डाइट और ये सब हो गया। और डॉक्टर राजेश्वरी के साथ मेरा एक सेशन भी था, उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि आजकल जो नॉर्मल खाना है उसको डाइट बोलने लग गए हैं और जो ऐसा चाइनीज फास्ट फूड ये सब है ये लोग नॉर्मली खाने लग गए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो हमारा बेसिक खाना है वही हमको खाना है, बस क्वांटिटी ध्यान में रखनी है। पहले तो ये ध्यान में रखना है कि जिसको भी हार्ट का कुछ भी इश्यू है या डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, हाई ब्लड प्रेशर है, रिफाइंड ऑयल नहीं खाना है। अनरिफाइंड ऑयल जो हम बोलते हैं कच्ची घानी का तेल या कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, ये आप अपने डाइट में डालना चालू कीजिए। जब हम बेसिक घर पे कुछ बनाते भी है तो ज्यादातर उसमें हमें अनरिफाइंड या कोल्ड प्रेस्ड ऑयल पे आ जाना है, कच्ची घानी का तेल यूज करना है। रिफाइंड ऑयल को प्रोसेस बहुत ज्यादा किया जाता है, इसके लिए वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है बट वो आपकी हेल्थ को बहुत डिट्यूरेट कर देता है, हेल्थ आपकी सफर करती है। दूसरा ये ध्यान रखना है कि पैकेज्ड फूड नहीं खाना है, केमिकल्स प्रिजर्वेटिव्स ताकि उसका लाइफ ज्यादा रहे, ये वो खाने का शेल्फ लाइफ बढ़ाएगा बट आपकी हेल्थ को बहुत हार्म करेगा। तो चिप्स हो गया, बिस्किट्स हो गए, चूड़ा हो गया, जो भी पैकेज फूड आता है ये एकदम कम से कम खाना है, अवॉइड कीजिए जितना हो सके उतना पैकेज फूड से दूर रहिए। प्लस उसमें होता है ट्रांस फैट, बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसको ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल की तकलीफ है, लोगों को लगता है खाली हम तेल कम कर देंगे, हम थोड़ा सा बाहर का कम खाएंगे, बट ठीक है चूड़ा ये बिस्किट
पैकेज फूड में चिप्स ये सब तो हम खा ही सकते हैं, नहीं, उसमें सॉल्ट सोडियम ये सब बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, जितने मात्रा की आपकी बॉडी को जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा सॉल्ट लेंगे बॉडी का बीपी कंट्रोल में नहीं रहेगा। खाली जो हम नॉर्मल खाना खाते हैं उसमें सॉल्ट टू टेस्ट होना चाहिए। नमक बुरा नहीं है, जरूरत से ज्यादा नमक बहुत बुरा है, प्रोसेस्ड नमक बुरा है जो पैकेज फूड में होता है। हम क्या खा सकते हैं, कच्ची घानी का तेल यूज कर सकते हैं, क्वांटिटी लिमिट कर सकते हैं, जितना हमारे खाने में आजकल तेल ज्यादा है जाता है उतने की हमें जरूरत नहीं है। ये हमें भी पता है कि जितना हमें जरूरत है उससे बहुत ज्यादा तेल में हम खाना पकाते हैं, तो उसको धीरे धीरे लिमिट करना सीखिए। तेल बुरा नहीं है पर जरूरत से ज्यादा आपको लॉन्ग रन में बहुत तकलीफ देगा, अभी नहीं 2 साल 5 साल 10 साल बाद उसमें से तकलीफ आएगी, और जिसको हाई कोलेस्ट्रॉल है उन्हें अभी से तकलीफ आएगी। ओके, ओमेगा 3 की चीजें ऐड कीजिए। ओमेगा 3 आता है आपका गुड फैट में, तो फ्लैक्स सीड्स हो गए, अलसी के बीज, चिया सीड्स, ततमरिया, सनफ्लावर सीड्स हो गए, पंपकिन सीड्स हो गए, ये सब जो बीज होते हैं इसमें ओमेगा 3 भर भर के होता है। वॉलनट्स हो गए, वॉलनट्स, अखरोट को हम पानी में सोक करके नेक्स्ट डे सुबह सुबह 2 वॉलनट्स खाएंगे, इसमें ओमेगा 3 ज्यादा होता है। तो ये हमारा होता है गुड फैट, ये हमारे हार्ट के लिए, जिनको डायबिटीज कोलेस्ट्रॉल है उन सब की हेल्थ के लिए अच्छा है। तो ऐसी चीजें ऐड करनी है खाने में जो हमारे लिए अच्छी है। नॉनवेज में फिश खा सकते हैं, फिश में ओमेगा 3 ज्यादा होता है। मटन अवॉइड करना है, कम से कम खाना है, मटन से हमारा बॉडी का कोलेस्ट्रॉल जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ता है। तो अगर आपको नॉनवेज खाने का बहुत क्रेविंग हो भी रहा है, ज्यादातर फिश के लिए जाइए, चिकन के लिए जाइए, मटन को अवॉइड कीजिए। एक एक सिंपल सी चीज अपने खाने में ऐड करेंगे जो है फाइबर। फाइबर बहुत ही अच्छा सुपर हीरो है खाने के लिए, ठीक है, जो हम सबसे कम आजकल खाते हैं। हम एक बार चाइनीज, वड़ा पाव, बाकी का फास्ट फूड ये सब फट से खाएंगे, बट हम नॉर्मल चीजें जैसे फ्रूट्स खाना, सैलड्स खाना ये सब भूल गए हैं। तो ये हमारा नॉर्मल खाना खुराक होता था, हमारे पूर्वज लोगों का यही नॉर्मल खाना था, तो उस पे हमें वापस जाना है ना। रोज हमारे खाने में कम से कम 1 या 2 बोल सैलड होने चाहिए, मतलब कच्ची सब्जियां, ककड़ी, बीट, गाजर, प्याज, टमाटर, गोभी, जो भी आपको पसंद है, जो भी कच्ची सब्जी पसंद है खाइए लंच में और डिनर में, या कम से कम एक टाइम लंच में या डिनर में एक टाइम तो भी ऐड कीजिए, है ना। रोज दिन में कोई भी 2 तरह के फ्रूट्स हमें खाने हैं, जो भी आपको पसंद है वो फ्रूट्स खाइए। इवन जिनको डायबिटीज है वो आम खा के भी अपना शुगर लेवल मेंटेन कर सकते हैं, बट अगर बहुत शुगर अनकंट्रोलेबल है तो हाई शुगर लेवल के फ्रूट्स अवॉइड कीजिए। बट बाकी जो फ्रूट्स हो गए जैसे कलिंगड़ और ये सब हो गया ना, ये सब आप खा सकते हैं। नॉर्मल फ्रूट्स का जो नॉर्मल शुगर है वो बॉडी में ग्लूकोज स्पाइक नहीं करता। जैसे हम चीनी खाते हैं तो कैसा एकदम से फट से ग्लूकोज बढ़ता है बॉडी का, नॉर्मल फ्रूट्स के नॉर्मल शुगर्स ऐसे एकदम से बीपी शुगर को नहीं बढ़ाते। तो फ्रूट्स आप खा सकते हैं पर लिमिट में, जिनको डायबिटीज है वो लिमिट में, जिनको कोलेस्ट्रॉल है, हाई बीपी है, वो तो आराम से फ्रूट्स खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइबर जितना ऐड होगा, एक तो आपका वजन भी कंट्रोल में रहेगा क्योंकि आपको फुल फीलिंग आती है, पेट भरा हुआ लगता है, तो आप अननेसेसरी जो बीच में हो जाता है ना, चूड़ा खा लेते हैं भूख लग गई है, बिस्किट्स खा लेते हैं बीच में से भूख लग गई है, ये चीज नहीं होगी, आपका पेट ज्यादातर फुल रहेगा। होल ग्रेन्स खाइए, ज्वार बाजरा डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, गेहूं से भी ज्यादा, बट अगर ज्वार बाजरा रोज नहीं खा पाते हैं तो मेजॉरिटी टाइम ज्वार बाजरा का रोटला ये सब अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए, इससे आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल स्टेबल रहेगा ना। ड्राई फ्रूट्स हो गए, जैसे अभी मैंने बोला कि वॉलनट, अखरोट को हमने सोक करके सुबह में हम 2 अखरोट खा गए, 5 बादाम थोड़ा सोक करके रख दिया सुबह में हम खा गए, ड्राई फ्रूट्स में से भी हमें फाइबर मिलता है। सीड्स हो गए, जैसे मैंने बोला अलसी के बीज हो गए, ततमरिया हो गया ना, सनफ्लावर सीड्स हो गए, पंपकिन सीड्स हो गए, ये सब चीजें गुड फैट तो देती है, प्रोटीन भी देती है और साथ में फाइबर भी हमारे बॉडी में ऐड करती है। लेग्यूम्स एंड पल्सेस, बटाने, सारी तरह की दाल, चना, छोला, ये सब लेग्यूम्स और पल्सेस में आते हैं ना, बॉईल करके खा सकते हैं, उसका सैलड के साथ उसको बना के खा सकते हैं, प्याज टमाटर उसमें काट के डालिए, बॉईल चना खाइए, ये सब प्रोटीन भी देगा
प्लस आपका वजन भी कंट्रोल में रखेगा। ये सारे फ्रूट्स जिसमें फाइबर है, इसमें से लेग्यूम्स, पल्सेस, ये सारी चीजों में प्रोटीन भी बहुत ज्यादा होता है। ये स्पेशली वेजिटेरियंस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि नॉनवेज सोर्सेज से प्रोटीन नहीं मिलता, तो जो वेजिटेरियन सोर्सेज है, चना बटाना, राजमा छोला, ऐसी सब चीजें खाइए। क्योंकि आपको अगर आपकी स्नायु की ताकत, मसल मास बनाए रखना है, तो आपके डाइट में प्रोटीन इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। एक नॉर्मल सी चीज देखेंगे कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट होता है। ये तो सबको पता है, एक्सरसाइज इज फ्री मेडिसिन, है ना, मुफ्त का मेडिसिन है, क्योंकि सारी अच्छी चीजें दे रहा है, ऊपर से कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ऊपर से फ्री में है, हमें जब चाहिए हम तब एक्सरसाइज कर सकते हैं, इसके कोई पैसे नहीं लगते। एक तो एक्सरसाइज आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को रिड्यूस करता है, जैसे कॉर्टिसोल हो गया, ये आपके बॉडी का बैड केमिकल या बैड हार्मोन है। जब हम बहुत स्ट्रेस लेते हैं तो ये केमिकल रिलीज होता है, इसके वजह से आपका बीपी बढ़ता है, आपका मोटापा बढ़ता है, आपके बॉडी में जो बोलते हैं एक इन्फ्लेमेटरी स्टेट आ जाता है, आपका ब्लड ग्लूकोज इम्बैलेंस में रहता है। तो जब एक्सरसाइज करते हैं तो ये हार्मोन कट आउट होता है, और जो अच्छे हार्मोन्स है जैसे डोपामिन, सीरोटोनिन, ये सब एंडोर्फिन, ये गुड हार्मोन्स बॉडी के बढ़ जाते हैं एक्सरसाइज से। प्लस ये बीटा ब्लॉकर जैसे काम करता है, जो पेशेंट्स को हाई बीपी है वो ये मेडिसिन लेते हैं, बीटा ब्लॉकर आपका हार्ट रेट कंट्रोल में रखती है। एक्सरसाइज को बीटा ब्लॉकर से कंपेयर किया गया है, मतलब एक्सरसाइज बिना किसी साइड इफेक्ट के आपका हार्ट रेट स्टेबल रखता है। इससे क्या होता है, आपके हार्ट पे अननेसेसरी प्रेशर या लोड नहीं पड़ता, आपका हार्ट रेट और बीपी कंट्रोल में रहता है। न्यूवैस्कुलराइजेशन हम थोड़ी देर में देखेंगे। स्ट्रेंथनिंग ऑफ हार्ट मसल, हमारा हार्ट भी, हृदय भी एक मसल है, एक स्नायु है, मांसपेशी है। जैसे हमें मांसपेशी की ताकत बनाए रखनी है, वैसे ही हार्ट की भी हमें ताकत बनाई रखनी है, ताकि हार्ट पे कभी भी अननेसेसरी लोड या प्रेशर नहीं पड़े। बहुत कॉमन है आजकल हार्ट अटैक्स, क्योंकि हार्ट पर लोड बढ़ गया है, प्रेशर बढ़ गया है, हमारी लाइफ में स्ट्रेस बढ़ गया है, हमारा स्लीप क्वालिटी अच्छा नहीं है, बहुत लोगों को स्लीप का तकलीफ है, नींद का तकलीफ है, लोगों को नॉर्मल रेलवे स्टेशन पे भागते भागते हार्ट अटैक आ रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये नॉर्मल नहीं है। आजकल अपना हार्ट इतना भी लोड नहीं ले पा रहा है, तो इसकी कैसे हम ताकत मेंटेन करेंगे, एक्सरसाइज करके। ब्लड ग्लूकोज कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में रहेगा, जैसे मैंने बोला स्ट्रेस हार्मोन को एक्सरसाइज कम करती है, अच्छे वाले हार्मोन्स, अच्छे वाले केमिकल्स बॉडी में बढ़ाती है। ये अच्छे वाले केमिकल्स ऑटोमेटिकली फिर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल को रेगुलेट करते हैं, नॉर्मल रखते हैं। आप जब कैलोरीज बर्न करते हो एक्सरसाइज करके, तभी आपका वजन भी कंट्रोल में रहता है। जो हम खाते हैं उससे हमें कैलोरीज मिलती है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा ओवर ईटिंग हो जाता है, मतलब हम जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं, है ना। तो तभी जो एक्स्ट्रा की कैलोरीज है वो बॉडी में चर्बी के जैसा स्टोर हो जाती है। तो अब ये एक्स्ट्रा कैलोरीज कैसे हम बर्न करेंगे, चर्बी को कैसे हम घटाएंगे, एक्सरसाइज करके घटाएंगे। तो जब चर्बी घटेगी तो हमारी नलियों में से जो कोलेस्ट्रॉल जो जमा हो गया है वो भी घटेगा, ठीक है। बेटर स्लीप क्वालिटी, जिन्हें भी नींद का तकलीफ है, अगर एक्सरसाइज करना आप चालू करेंगे तो आप ये चीज नोटिस करेंगे कि जो थोड़ी सी अच्छी थकान लगती है एक्सरसाइज करके, उस वजह से रात में नींद अच्छी आती है, मतलब हमारी स्लीप क्वालिटी बेटर हो जाती है। ये क्यों जरूरी है, जब हम सोते हैं तो हमारा पूरा सिस्टम रिलैक्स करता है, हमारा हार्ट का थोड़ा हार्ट बीट स्लो हो जाता है, हमारा बीपी नॉर्मल आ जाता है, हमारे हॉर्मोन्स नॉर्मल आ जाते हैं, बॉडी अच्छे केमिकल्स रिलीज करती है। फोन को कैसे हम चार्ज करते हैं, वैसा जब हम अच्छी नींद रहती है तभी हमारा सिस्टम पूरा रिचार्ज हो जाता है, रिबूट हो जाता है, हमें फ्रेश महसूस होता है। तो इसीलिए बेटर स्लीप क्वालिटी के लिए भी एक्सरसाइज बहुत नेसेसरी है। इसमें जो एक पार्ट था वो था नियोवैस्कुलराइजेशन। अभी ये बहुत ही सिंपल टर्म में अगर मैं आपको बोलूं तो हमारे हार्ट को बहुत सारी नलियां सप्लाई करती है खून, ठीक है। तो ऐसी एक नली नहीं है, ऐसी दो तीन मेन नलियां हैं, उनकी शाखाएं हैं, ब्रांचेस है, बहुत सारी नलियां है जो आपके हार्ट को सप्लाई कर रही है। एक्सरसाइज से क्या होता है, ये नलियों की ग्रोथ होती है, इनकी शाखाएं बढ़ती है। तो समझो अगर किसी एक नली में आपको ब्लॉकेज आ भी गया, है ना, कोलेस्ट्रॉल अगर आपका हाई हो गया, बीपी हाई हो गया, एक आध नली ब्लॉक हो गई, तो बहुत सारी ऐसी नलियां आपके हार्ट के आसपास रहेगी जो आपके हार्ट को खून का सप्लाई दे पाएगी, है ना।
ट्रैफिक जाम होता है तो ऊपर से ब्रिज बना देते हैं, वैसे जो बाकी नलियां है ये ब्रिज का काम करेगी, तो खून का सप्लाई अटकेगा नहीं। अगर आप को रिस्क फैक्टर्स है, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज है, ये सब चीजें है, तो फिर जब आप एक्सरसाइज करेंगे अगर ये नलियां फॉर्म हो जाती है तो आपका हार्ट अटैक का रिस्क कम हो जाएगा। ओके, बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जिनका सर्जरी हो चुका है, ठीक है, तो सर्जरी के बाद डाइट पे ध्यान नहीं देते हैं, पोषण पे ध्यान नहीं देते हैं, एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं, बिकॉज उनको ये लगता है कि अभी तो हो गया, जो ब्लॉकेज था नली में वो तो हट गया, वापस से अभी क्यों एक्सरसाइज करने की जरूरत है। बट आप ये बात समझिए कि जब आपका सर्जरी हो रहा है तो आपके जितनी सारी हार्ट की शाखाएं थी उसमें से एक ही जो नली है उसमें से वो नली का एक छोटा सा पार्ट है सिर्फ वहां से ग्राफ्ट किया गया है या वहां पे स्टेंट प्लेस किया गया है। अगर आपको 4-5-6 नलियों में तकलीफ था तो सर्जरी से ये पूरा कोलेस्ट्रॉल एकदम से गायब नहीं हो जाता है ना। जस्ट बिकॉज आपकी सर्जरी हुई है इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी पूरी बॉडी डिटॉक्स हो गई, आपकी सिर्फ एक नली का एक पार्ट का स्टेंट प्लेसमेंट हुआ है ना, जो हम बोलते हैं बलून एंजियोप्लास्टी। वीडियो पे जो आपको दिख रहा है ये जिसको एंजियोप्लास्टी हुई है वो चीज दिख रहा है। यहाँ पे देखो चर्बी है पीले कलर की, वो ब्लॉक कर रहा था आपकी नली को, तो उसके जगह पे ये स्टेंट प्लेस कर दिया गया ना, जिसके वजह से रास्ता खुल गया, ट्रैफिक हट गई, तो वापस से खून का सप्लाई चालू हो गया। बट ये कहाँ हुआ, पूरे हार्ट में सारे नलियों में से किसी एक नली के एक छोटे से भाग में ये ऑपरेशन हुआ, इसके वजह से बाकी नलियों का अपने आप से कोलेस्ट्रॉल हट नहीं गया। तो ये बहुत जरूरी है कि आफ्टर सर्जरी आफ्टर ऑपरेशन भी आप हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन रखें। दो मेन चीज है हेल्दी लाइफस्टाइल की, डाइट मतलब अच्छा पौष्टिक खाना, न्यूट्रिशन, और एक्सरसाइज, ये दोनों चीजें आपको मेंटेन रखना है। तो आगे जाके अगर समझो दूसरी किसी नली में 30% ब्लॉकेज भी होगा तो वो धीरे धीरे कम हो जाएगा ना, और अगर कोई नली 100% ब्लॉक भी हो गई तो क्योंकि एक्सरसाइज करके आपने नई नलियां फॉर्म करी है, बहुत सारी नई शाखाएं, नए ब्रिज बन गए हैं, तो अगर एक जगह से ब्लड रुक भी जाता है तो दूसरी शाखा आपके हार्ट मसल को खून का सप्लाई कर देगी, तो आपका हार्ट अटैक का चांस कम हो जाएगा। बहुत डिफिकल्ट होता है पेशेंट्स को कन्विंस करने, पोस्ट सर्जरी एंजियोप्लास्टी हो या बाईपास सर्जरी हो, ओपन हार्ट सर्जरी हो, उसके बाद भी न्यूट्रिशन मेंटेन करना है और एक्सरसाइज मेंटेन करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये प्लीज आप अपने फ्रेंड्स को, अपने ग्रुप में, आपके साथ जो भी लोग घुल मिलते हैं, अपने सोशल चैनल्स जितने भी है उनमें ये प्लीज एक चीज समझाए कि फॉलोअप्स भी जरूरी है। सर्जरी हो गया इसका मतलब ये नहीं कि पूरी बॉडी सही हो गई, डिटॉक्स हो गया, नहीं, सिर्फ एक छोटे से पार्ट का सर्जरी हुआ है और कॉम्प्लिकेशंस आने में टाइम नहीं लगेगा अगर आप अपने शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे तो। लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है रिलैक्सेशन। बेसिक हमारी बॉडी का जो सिस्टम है, दो सिस्टम पे हमारी बॉडी काम करती है, हमारा जो फुल नर्वस सिस्टम है वो बॉडी को रिलैक्स भी कर सकता है, बट जब हम स्ट्रेस में रहते हैं तो उसका बहुत बुरा इफेक्ट भी हमारी बॉडी पे होता है। आजकल की लाइफ में स्पेशली जहाँ हमको सब फटफट चाहिए, सब चीज बरोबर से चाहिए, सब चीज का हमें टेंशन रहता है, तो यहाँ पर रिलैक्सेशन बहुत जरूरी हो जाता है। बहुत सिंपल है अपने बॉडी को रिलैक्स करना, सबसे ज्यादा आसान है ब्रीदिंग के थ्रू। जब आप अपना ब्रीदिंग रेगुलेट करते हैं, जब आप नॉर्मल डीप ब्रीदिंग करते हैं, जो आप कार्डियोपल्मोनरी थेरेपिस्ट के पास, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपको सिखाते हैं, जब आप प्राणायाम करते हैं तब आपकी बॉडी का पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम, मतलब वो सिस्टम जो आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है, वो एक्टिवेट हो जाता है, तो वो पूरे अच्छे हॉर्मोन्स रिलीज करेगा, अच्छे केमिकल्स रिलीज करेगा, आपके सारे ऑर्गन्स को आराम मिलेगा, आपके हार्ट का रेट कम हो जाएगा, आपका बीपी कंट्रोल में आ जाएगा, आपका ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल में आएगा, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बरोबर आ जाएगा, है ना। प्लस जब हम डीप ब्रीदिंग और करते हैं, हमारा बॉडी का ऑक्सीजन अपटेक, जो हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं वो भी बढ़ता है, हमारा ब्लड में ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन अच्छे से होता है ना, जैसे कि मैंने बोला बीपी कम हो जाएगा,
कोर्टिसोल है हमारा बैड वाला केमिकल, स्ट्रेस हार्मोन, वो कम हो जाएगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल में आएगा और स्लीप क्वालिटी भी बेटर हो जाती है. जब हम टेंशन में रहते हैं, बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, बॉडी एकदम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में रहती है, क्या करूँ क्या करूँ, अभी ये कर दूँ वो कर दूँ वो कर दूँ, ये सब कम हो जाता है, ये नॉर्मल लेवल पे आ जाता है, जिसके वजह से हमारा स्लीप का क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाता है. 7 से 8 घंटे की स्लीप, नींद, अच्छी वाली नींद आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है रिपेयर करने के लिए और रिकवर होने के लिए ना. जब आप 7-8 घंटे की अच्छी नींद लेते हो, तब आपकी बॉडी खुद से अपने आप के सेल्स को रिपेयर करती है. तो बेसिकली एंड में मुझे यही कहना है कि फिजियोथेरेपी सिर्फ बैक पेन, बोन्स रिलेटेड नहीं, या फिर सिर्फ ब्रेन रिलेटेड नहीं, बट हार्ट और लंग्स रिलेटेड भी है. ओके, तो जैसा हम अपने बैक पेन का ख्याल रखते हैं, वैसे ही हाई कोलेस्ट्रॉल हो, हाई बीपी हो, एंजियोप्लास्टी हुआ हो, ओपन हार्ट सर्जरी हुआ हो, तो आपको आपके नजदीक में जो भी फिजियोथेरेपिस्ट है, इफ कार्डियो रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपिस्ट है, तो आप उनके पास भी जा सकते हो. एक कार्डियक रिहैबिलिटेशन सेंटर होगा, तो यू कैन गो एंड टॉक देयर. ओके, आपको एक स्टेप लेना है कि आप जाके फिजियोथेरेपिस्ट को एक बार कंसल्ट कीजिए. ओके, सो ताकि वो आपको आगे गाइड कर सके और आपके एंजियोप्लास्टी या फिर ओपन हार्ट सर्जरी के बाद वाला टाइम एक्सरसाइज करके अच्छे से रह सके और फिर से ये तकलीफ ना हो. ओके, क्या ख्याल रखना है वो आपको अच्छे से समझाया जाएगा. तो वी विल एंड दिस सेशन हियर, बट आपको किसी को भी अभी डाउट्स होगा, क्वेश्चंस होगा, तो आप पूछ सकते हो, अनम्यूट करके पूछ सकते हो. वेबिनार लेने का मेन रीजन ये भी था, रीसेंट स्टैटिस्टिक्स ऐसा है कि इंडिया में हार्ट अटैक की वजह से सबसे ज्यादा डेथ्स हो रही है. 85% deaths were attributable to heart attack. This is not normal. ये normal नहीं है, ये नहीं होना चाहिए. और आजकल तो ऐसा हो गया है, लोगों की repeat surgeries हो रही है. Angioplasty हुआ है, 2-3 साल बाद वापस से open heart surgery करना पड़ा. एक नली का open heart surgery हुआ, फिर से 2-3 साल बाद दूसरे नली के लिए open heart surgery करना पड़ा. तो ये लोगों को समझाना बहुत जरूरी है कि जस्ट बिकॉज सर्जरी हुआ है तो उधर रुक नहीं जाना है और बॉडी को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है कि अभी ऑपरेशन हो गया अभी बस हम बैठ जाएंगे. वापस से पोषण पे ध्यान देना ही है, एक्सरसाइजेस करनी ही है, ताकि फ्यूचर में जाके वापस से आपको दूसरे सर्जरी की जरूरत ना पड़े और दूसरा खुदा ना खास्ता हार्ट अटैक या ऐसी किसी भी चीज से आपको ना गुजरना पड़े. So we have a center. So Dr. Abhilasha is practicing at Gujarat. उनका गुजरात में क्लिनिक है उमरगाम में. तो आपको उसी एरिया में, आपको किसी को पता रहेगा कि आप एक बार ऑनलाइन कंसल्ट या ऑफलाइन जब नजदीक होगा तो आप उनको विजिट कर सकते हो. हमारा सेंटर वसई में है. ओके, सो हम दोनों फिजियोथेरेपिस्ट है जो हार्ट और लंग्स में स्पेशलाइज है. तो किसी को ऑनलाइन कुछ ओपिनियन या कुछ कंसल्ट चाहिए रहेगा तो भी हम हमारा नंबर शेयर कर सकते हैं. हमारा कार्ड व्हाट्सएप नंबर भी है. So please feel free to ask us. Also, आज जो आपने जो भी सीखा है, जो भी सुना है, हमारा एक ही मोटो है कि हम आप दूसरों तक वो पहुंचे और you know we can build up the society more healthier. So thank you once again, Dr. Abhilasha. It was indeed great to combine with you on this talk. Thank you so much. Yeah.